अरे नो कवर कहीं था नो कवर कहीं था कोई फ्रूट ना का थोड़ा खाली उतर तो उतर खाली नको होती गाच पानी उठा नको थोड़स खाली उतर गया थोड़ा सा आता शिफ्टी कर थोड़ा तिकड़े सर क्यों इकड़े 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 तिकड़े नाही इकड़े नाही इकडे 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 नाही
नरे कह रो तो दोस्तों आपने देखा हर बार की तरह नवाशेख कुएं में उतरे और दो सांप उन्होंने बहुत ही फुर्ती से बाहर निकाले और बहुत ही हमारे बहादुर रेस्क्यूर है। कुआं चाहे कितना भी गहरा हो उतरने के लिए बिल्कुल डरते नहीं और इसी में रसल स्वाइपर इस कुआं में गिरे थे। ये रसल स्वाइपर स्नेक है जिसे हम महाराष्ट्र में घोनस नाम से जानते हैं, हिंदी में इस सांप को चित्ती कहा जाता है और हिंदी में एक और नाम है परन जो प्रचलित नाम है चित्ती। और ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, इनमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। दोस्तों ये सांप सर्दी के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं इसलिए हमें सतर्क रहना है। ये सांप सूखे घास में, हरे भरे घास में और खेत के आसपास पत्थरों में, इसीलिए हमने सावधान रहना इस मौसम में। अगर इस पर गलती से पैर गिर जाता है तो ये 100% काट लेगा। तो इसकी पहचान आप खुद ही देखिए, अजगर की तरह दिखता है। बहुत से लोग अजगर समझकर धोखा खाते हैं लेकिन अजगर में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि इसके ऊपर जिस तरह चैन है उसी तरह जो धब्बे हैं दिखाई देते हैं, हल्के से काले, कभी डार्क काले कलर में दिखाई देते हैं, चॉकलेटी कलर में, हल्के से पीले कलर में धब्बे दिखाई देते हैं और उसके ऊपर व्हाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है। और ये लगभग 4-5 फीट के आसपास अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं। कभी कभार ये सिंगल दिखाई देते, कभी कभार जोड़ी में भी दिखाई देते हैं। और ऐसे सांप दिखाई देते ही मारे नहीं, स्नेक रेस्क्यूअर जो हमारे जैसे उनको कॉल करें या फिर आप वन विभाग को भी फ़ोन कर सकते हो। तो चलिए अभी दोस्तों अभी इसको हम दोनों सांप को एक कॉटन के बैग में डालेंगे और तुरंत फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमने दो सांप रेस्क्यू किए थे कुएं से, जिसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, रसल स्वाइपर जिसे हिंदी में चित्ती, महाराष्ट्र में घुनस के नाम से जानते हैं। और ये जहरीले सांप होते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं, अभी सर्दी के मौसम में जैसे जोड़ी में निकलना शुरू होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जुड़े सांप है। जुड़े सांप ऐसा कुछ होता नहीं, नर और मादा होता है सांप में। अभी आपने देखा दोस्तों इन दोनों सांप को हमने यहाँ पर इस पर्यावरण में रिलीज किया है, दोनों एक के पीछे एक चले गए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिल गई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना।